अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू द प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। हियर्स योर लैब इंस्ट्रक्टर नशीता अलवाज। कंटेंट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स 5 डिफरेंट पोर्शंस। लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन, थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, लैब परफॉर्मेंस पार्ट एंड कंक्लूजन। Objective of our today's experiment is to design the TTL logic AND gate, OR gate and NOT gate. Equipment needed for our today's experiment is PLC Omron company, one device, one PLC device and one PC in which Sysmon software has been installed. Moving towards the theoretical background of this experiment, in this lab we are going to discuss about the logic gates, and in the logic gates we have different kinds of gates that are going to perform different logical operations, AND gate, OR gate, NAND gate, NOT gate. So hum log is lab mein basic logic gates padhenge, NOT, AND or OR. तो हमारे पास, हमने भी ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं, तो अगर हम ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन कर दें, जैसे हम दो ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन कर दें, जिसको आप TTL लॉजिक भी कहते हैं, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक कहते हैं, तो दो ट्रांजिस्टर को कंबाइन करने से आप लोगों के पास जो एक चीज़ बनती है उसको कहते हैं गेट। ठीक है, तो गेट आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि लॉजिकल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करी होती है, और आपके पास डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा रजिस्टर और डायोड को कंबाइन करने से मिलकर बनी होती है। तो सबसे कॉमन जो आपके पास, अगर मैं बात करूँ लॉजिकल फैमिलीज की, सबसे कॉमन जो गेट की स्ट्रक्चर जो यूज़ हो रहा है आजकल, वह होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसके अंदर दो ट्रांजिस्टरों को हम कंबाइन करके एक लॉजिकल गेट बनाते हैं। मीन्स हम एंड बनाते हैं, हम और बनाते हैं, या हम नॉट बनाते हैं, डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके। ठीक है, नॉर्मली टू को कंबाइन करके। तो लॉजिक गेट के पास एक स्विचेस की तरह होते हैं जिनको हम ऑन कर देते हैं और ऑफ कर देते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि हम उनसे यूज, मतलब उनसे हम काम क्या करवाना चाह रहे हैं। अगर हम उनसे कुछ ऑन कराना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम स्विच को ऑन कर देंगे और एक ऐसी लॉजिक सेट करेंगे कि जब स्विच को ऑन करवाना हो तो स्विच ऑन हो जाए और वो आउटपुट दे हमें, और जब हमने ऑफ करवाना हो तो वो ऑफ हो जाए। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास जिस पर आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो आजकल वर्क कर रहे हैं। लॉजिक गेट्स टर्न ऑन व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू एंड ऑफ व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। दे चेक वेदर और नॉट द इन्फॉर्मेशन दे गेट फॉलोज अ सर्टेन रूल। आपने एक रूल सेट किया हुआ है, अगर वो रूल फॉलो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लॉजिक गेट है वो ऑन हो जाएगा, अगर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा तो वो ऑफ हो जाएगा। दे आइदर स्पिट आउट द आंसर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास, हमें ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि ट्रू इक्वल होता है ऑन के या वन के, और फॉल्स इक्वल होता है ऑफ के या जीरो के। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, मेजर लॉजिक गेट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लैब इज द एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट। इनको बेसिक लॉजिक गेट्स कहा जाता है। ठीक है, फर्दर जितने भी आपके पास गेट्स होते हैं वो इनसे ही बनाए जाते हैं। और बुलियन लॉजिक्स होती हैं। ठीक है, 0-1 की लॉजिक होती है। हमें पता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं आजकल वो 0-1 पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो गेट्स जो हैं उनकी ही फर्दर मॉडिफिकेशन, जैसे आप लोग माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर्स की तरफ शिफ्ट हुए थे, तो गेट्स की लॉजिक क्या है, 0-1 की लॉजिक है। ठीक है, 0 मीन्स आपके पास ऑफ कंडीशन एंड 1 मीन्स ऑन कंडीशन। NOT gate is the most simple logic gate. All it does is take the input which can be either on or off and spits out the opposite. So if for a 1 it will give a 0, or a 0 it will give a 1. ठीक है, another name for NOT gate is inverter. क्योंकि अगर आप 1 देते हो तो आउटपुट आपको 0 मिलता है, अगर आप इनपुट पे 0 देते हो तो आउटपुट आपको 1 मिलता है। मतलब इन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, 0 पे 1, 1 पे 0। ठीक है, इनपुट पे अगर 0 दिया है तो आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा, अगर इनपुट पे आपने 1 दिया है तो आउटपुट पे आपको 0 मिलेगा। तो नॉट गेट का सिंबल जो है वो यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, बबल अभी लगा होता है। बबल क्यों लगाते हैं नॉट गेट के सिंबल के आगे, इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और नॉट गेट कि 1 इनपुट होती है, 1 आउटपुट होती है, जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये भी चीज नजर आ रही है कि अगर मैं 1 दे रही हूँ तो आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है, और अगर मैं 0 दे रही हूँ तो आउटपुट पे मुझे 1 मिल रहा है। आईसी ऑफ नॉट गेट
हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्थ गेट के लिए आईसी अवेलेबल है वो होता है 7404। अगर आपको कोई कहे कि नॉर्थ गेट का आईसी क्या है तो आप कहोगे 7404, उसका नंबर है। और आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर बेसिकली अगर आप नॉर्थ गेट की बात करें तो 6 नॉर्थ गेट एक आईसी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 14 पिन्स होती हैं जो बेसिकली नॉट गेट के आईसी के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। 14 पिन्स कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो जो डाउनवर्ड आपको 7 पिन नज़र आ रही है उस पर हम ग्राउंड को अटैच करते हैं। हम ये आईसी उठा के जो अभी मैंने आपको ट्रेनर की इन्फॉर्मेशन दी है उस पर हम अटैच कर देंगे, ठीक है, उसके ब्रेडबोर्ड पर। और 7 को हम अटैच कर देंगे ग्राउंड से, और 14th पिन जो है उस पर हम डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है, वीसीसी नज़र आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद रिमेनिंग जितनी भी पिन हैं उस पर 6 गेट्स कनेक्टेड हैं, और 6 गेट्स जो हैं वो नॉट गेट के हैं, जिसमें से एक इनपुट है, एक आउटपुट है, फिर एक इनपुट है, फिर एक आउटपुट है, और आपको साइड पर हाफ सर्कल नज़र आ रहा है। जब भी आपने आईसी को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करना है तो बिल्कुल इसी फॉर्म में करना है जिस तरह से पिक्चर में कनेक्टेड है। आपने हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर अपना एक कट रखना है जो आईसी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और क्योंकि नॉट गेट की एक इनपुट और एक आउटपुट होती है, इसलिए नॉट गेट के आईसी के अंदर बेसिकली 6 नॉट गेट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर आपने नॉट गेट का फंक्शन परफॉर्म कराना है तो आप जस्ट एक नॉट गेट को यूज करते हुए भी परफॉर्म करवा सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 6 के 6 से ही इनपुट और आउटपुट लेनी है, आप जस्ट एक से कनेक्शन करा के अपनी आउटपुट को ले सकते हो, ठीक है, आउटपुट का एनालिसिस कर सकते हो। एंड गेट, अनलाइक नॉट एंड गेट्स, बेसिकली उसको चाहिए होती है 2 इनपुट्स, ठीक है। ये 2 इनपुट्स पे वर्क कर रहा होता है, 2 इनपुट्स होती हैं एंड गेट की और एक आउटपुट होती है। ये सिर्फ तब ऑन होता है जब दोनों इनपुट्स ऑन होगी। अगर एक भी इनपुट ऑफ होगी तो एंड गेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। इफ ओनली 1 इनपुट इज ऑन इट स्पिट्स आउट ऑफ, ठीक है। एक भी इनपुट अगर ऑन है दूसरी ऑफ है तब भी आपका एंड गेट जो है वो ऑफ ही कंसिडर होगा। अगर दोनों ऑफ है तब भी वो ऑफ होगा, अगर एक ऑन है एक ऑफ है तब भी वो ऑफ होगा, लेकिन अगर दोनों ऑन है तो एंड गेट हमें आउटपुट देगा। पिक्चर में आपको इसका सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है। पुश होती है, 1 आउटपुट होती है, देन हमने देखा है कि दोनों इनपुट पे अगर हम 1 1 दें तो आउटपुट पे हमें 1 मिल रहा है। अगर हम एक इनपुट पे 1 दे रहे हैं दूसरे पे 0 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे 0 ही मिल रहा है, और अगर हम दोनों पे इनपुट्स पे 0 दे रहे हैं तब भी हमें आउटपुट पे 0 ही मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास ट्रूथ टेबल गिवन है एंड गेट की। ट्रूथ टेबल जो होती है वो बेसिकली हमें डिफरेंट कंडीशंस दे रही होती है, अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशंस होंगी इनपुट पे तो आउटपुट क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एंड गेट के केस में हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं ए और बी, और उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब 2 इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो 4 होंगे। किस तरह से 4 होंगे, 2 रेस टू पार 2, 2 रेस टू पार 2, 2 ऊपर वाला क्या है इनपुट ऑफ द एंड गेट, 2 रेस टू पार 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। अगर दोनों इनपुट्स ए और बी 0 हैं तो आउटपुट मेरे पास जो है 0 होगी। अगर मेरे पास 0 1 इनपुट्स हैं तब भी मेरे पास आउटपुट 0 है, अगर 1 0 इनपुट है तब भी मेरे पास आउटपुट 0 है, और अगर दोनों इनपुट्स 1 हो रही हैं तब मेरे पास जाके जो आपका एंड गेट ऑन हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि एंड गेट सिर्फ तब ऑन होगा जब आपकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो ऑन स्टेट में होगी। देन अगर हम बात करें आईसी ऑफ एंड गेट की, तो आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। उसके अंदर आपके पास डिफरेंट गेट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब एंड गेट की आईसी का नंबर होता है 7408, और हम कहते हैं 7408 का आईसी दे दो, इस नंबर का आईसी दे दो, तो इतनी हम लोग एंड गेट का आईसी मांग रहे होते हैं। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है जिस तरह से नॉट गेट की थी, 7th पिन पे हम ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे, 14th पिन से पावर देंगे, और रिमेनिंग पिन्स जो हैं उन पर एंड गेट की इनपुट्स और आउटपुट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम लोग अगर एक गेट से जो है एंड गेट के फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम एक को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले लेफ्ट साइड से फर्स्ट वन जो है उसको पिक कर लें, और उस पर हम जो है 1 और 2 पे इनपुट दें किस तरह स्विचेस के थ्रू, और 3 से हम लोग जो है वो आउटपुट ले लें, और आउटपुट किस तरह से लें LED को कनेक्ट करके। तो हम लोग जो है सिंपली एक आईसी लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। और एज कम्पेयर टू नॉट गेट, एंड गेट के आईसी के अंदर 4 एंड गेट्स जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 इनपुट्स और 2 एक आउटपुट होती है, जबकि नॉट गेट के अंदर 1 इनपुट और 1 आउटपुट होती है, इससे ज्यादा की कैपेसिटी होती है।
जबकि एंड गेट के अंदर दो इनपुट्स और एक आउटपुट होती है, इसलिए हम फोर एंड गेट्स को कंबाइन करते हैं एक आईसी के अंदर। देन हमारे पास जो लॉजिकल गेट आता है वो होता है ऑर गेट। ऑर गेट ऑल्सो नीड्स टू इनपुट्स। ऑर गेट नीड्स वन इनपुट टू बी ऑन फॉर इट टू स्पिट आउट ऑन। ठीक है, अगर एक भी इनपुट ऑर गेट की ऑन होगी तो आउटपुट हमारे पास ऑन होगी। अगर आपकी दोनों इनपुट्स ऑफ होती हैं तब ऑर गेट ऑफ होता है, अदरवाइज अगर एक भी इनपुट ऑन होगी तो ऑर गेट ऑन होगा। ठीक है, सिंबल आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है पिक्चर में। ठीक है, टू इनपुट्स होती हैं इसकी और वन आउटपुट होती है। देन आपके पास नीचे जो स्कीमेटिक गिवन है इसमें शो हो रहा है कि ऑर गेट की अगर एक भी इनपुट वन है दूसरी जीरो है तब भी आउटपुट ऑन है। ठीक है, अगर दोनों इनपुट जीरो हो रही है तब आउटपुट जीरो हो रही है, और अगर दोनों इनपुट्स ऑन है तब भी आपके पास आउटपुट जो है वो ऑन स्टेट में है। नाउ मूविंग टू वर्ड्स द ट्रुथ टेबल ऑफ ऑर गेट। आपके पास अगेन टू इनपुट्स हैं ए और बी, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रुथ टेबल के फोर होंगे। बिकॉज टू रेस्ट टू पावर टू इक्वल्स टू फोर, तो फोर कॉम्बिनेशन हैं। अब टू रेस्ट टू पावर टू क्यों हैं, क्योंकि टू इनपुट्स हैं ए और बी। तो हमें नजर आ रहा है ट्रुथ टेबल के अंदर अगर एक भी इनपुट जो है वो वन होती है तो आउटपुट वन हो जाती है, लेकिन अगर दोनों इनपुट्स जीरो हैं ए और बी तो आउटपुट जो है वो आपके पास जो है वो जीरो ही रहेगी। अब ऑर गेट जो है वो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस, क्योंकि एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम जीरो प्लस वन करते हैं तो आंसर क्या होता है वन। ठीक है, तो बेसिकली ऑर गेट आपके पास जो है वो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करने का काम करता है, और इसने सिर्फ तब आउटपुट देनी होती है जब आपकी एक भी इनपुट वन होती है। देन हमारे पास आती है आईसी ऑफ ऑर गेट। आईसी ऑफ ऑर गेट के अंदर सिमिलरली एंड गेट की तरह फोर ऑर गेट्स कनेक्टेड होते हैं, और सेवन्थ पिन पर हम लोग ग्राउंड को अटैच करते हैं, 14th पिन को हम लोग वीसीसी सप्लायर से अटैच करते हैं, और इसके अलावा इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक जो है निशान होता है एंड और नॉट गेट की तरह से कट होता है। जब भी आपने कनेक्ट करना होता है इस आईसी को ब्रिज बोर्ड पे, तो आप लोग देखते हो कि वो कट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होना चाहिए, देन ही आपकी प्रॉपर अरेंजमेंट जो सेवन्थ जो 14th पिन की होती है वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इस जो कट है इसके नीचे राइट हैंड साइड पर सेवन्थ पिन पर ग्राउंड है, और इसके ऊपर 14th पिन पर वीसीसी सप्लाई का कनेक्शन है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर लेंगे तो कनेक्शन जो है वो सही से पॉसिबल नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं इसको ब्रेडबोर्ड पे, और 14th ही पिन्स होती हैं, और इसके अंदर फोर ऑर गेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। हर गेट की टू इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है, और आपने अगर एक गेट को यूज़ करना है तो सिंपली आप उसकी दोनों इनपुट्स को स्विचेस से कनेक्ट करते हो और आउटपुट को LED से कनेक्ट करके अपने आउटपुट का एनालिसिस कर सकते हो। सो हम लोग लॉजिकल फंक्शंस जो हैं, जितने भी ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, इनको PLC के थ्रू प्रोग्राम करेंगे और PLC के थ्रू परफॉर्म करेंगे। ठीक है, PLC अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है आपके पास, और PLC इज अ रजराइज कंप्यूटर यूज फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है PLC। ठीक है, और हम इसको किस लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। These controllers can automate a specific process, machine function, or even an entire production line. If I will talk about that, how does PLCs work? The PLC means programmable logic controller receive information from connected sensor or input devices, process the data. माइक आपके पास प्रोसेसर लगा होता है, जिससे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है ना, CPU। सिमिलर केस PLC की जो डिवाइस होती है वो सेंसर्स और इनपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, और उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग के लिए एक प्रोसेसर लगा होता है जो कि प्रोसेस करता है डेटा को, और आउटपुट को ट्रिगर करता है, आउटपुट को ऑन करता है आपके प्री प्रोग्राम पैरामीटर्स की मदद से। ठीक है, बेसिकली होता यह है कि आप कंप्यूटर से एक PLC डिवाइस को कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, PLC डिवाइस पर इनपुट होती हैं और आउटपुट्स होती हैं, और एक प्रोसेसर कनेक्टेड होता है। आप कंप्यूटर में पूरा प्रोग्राम बनाते हो, देन आपकी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि आपकी मशीन पर कनेक्टेड होती हैं, उनका डेटा आपका प्रोसेसर पिक करता है और प्रोसेस करके आउटपुट को शो करता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स अ PLC कैन मॉनिटर एंड रिकॉर्ड रन टाइम डेटा
such as machine productivity or operating temperature automatically start and stop the processes. For example, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास temperature कम हो रहा है तो heater on हो जाए, ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ कि temperature ज्यादा हो रहा है तो heater off हो जाए. तो basically मैं क्या कर रही हूँ कि मैं TLC को use करते हुए sensors लगा रही हूँ जो as an input work कर रहे हैं. जैसे ही वो sensor measure करते हैं temperature को और उसको record कर लेते हैं run time पर, तो उसके according actions लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही हूँ, तो मैं अगर मेरा टेम्परेचर जो है, जो मेरे इनपुट सेंसर ने मेजर किया है, वो कम होता है तो हीटर ऑन हो जाता है, अगर वो ज्यादा होता है तो हीटर ऑफ हो जाता है. फर्दर ये जो है अलार्म भी जनरेट कर रहा होता है अगर मशीन में कोई फॉल्ट अकर हो जाता है, ठीक है. तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स मीन्स PLC आर अ फ्लेक्सिबल एंड रोबस्ट कंट्रोल एक्शन और सॉल्यूशन adaptable to almost any application. How is PLC programmed? PLC किस तरह से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है. अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपका एक कंप्यूटर होता है जो कि PLC डिवाइस से कनेक्टेड होता है, ठीक है. तो आप PLC डिवाइस पे क्या क्या चीजें होती हैं, इनपुट्स होती हैं, आउटपुट्स होती हैं, और इसके अलावा आपके पास एक प्रोसेसर लगा होता है जो कंप्यूटर से प्रोग्राम जो आप कंप्यूटर पे लिखते हो उसको वो PLC डिवाइस पर लाता है और फर्दर प्रोसेसिंग करता है. अब PLC प्रोग्राम इज यूजुअली रिटन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे लिखा जाता है एंड देन डाउनलोडेड टू द कंट्रोलर. देन आप उसको PLC मशीन जिसपे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है उस पर आप उसको डाउनलोड करते हो. मोस्ट PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऑफर्स प्रोग्रामिंग इन लेडर लॉजिक, ठीक है, सी या फिर लेडर लॉजिक में आपके PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग ऑफर करते हैं. लेडर लॉजिक इज द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और ये रक्स के थ्रू सर्किट डायग्राम्स को शो कर रही होती है और आप इवन इसके अंदर मॉनिटर कर सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है. ईच रक रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एक्शन कंट्रोल्ड बाय द PLC स्टार्टिंग विद एन इनपुट और सीरीज ऑफ इनपुट्स दैट रिजल्ट इन एन आउटपुट, ठीक है. आपने एक इनपुट कांटेक्ट की है, मतलब आपके एक सेंसर ने चीज को मेजर किया है, उसके रिजल्ट में आपने एक्शन लिया, आउटपुट जनरेट की है. बिकॉज ऑफ इट्स वाइटल नेचर लेडर लॉजिक कैन बी इजियर टू इम्प्लीमेंट देन मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सी प्रोग्राम इज द मोर रिसेंट इनोवेशन. सम PLC मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सप्लाई करते हैं कंट्रोल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को. अगर मैं PLC एंड लॉजिक की बात करूं तो एंड लॉजिक का PLC सर्किट बनाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम दो इनपुट्स होती हैं एंड गेट की, तो दोनों इनपुट्स में हम लोग स्विचेस लगाते हैं और उनको सीरीज में लगा देते हैं और देन उनके सीरीज में एक इंडिकेटिंग डिवाइस अटैच करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, एंड लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सीरीज में स्विचेस बनाते हैं, सीरीज सर्किट बनाते हैं. और आपके पास अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ या एग्जांपल की बात करूँ कि हम लोग एंड गेट को रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं, तो एंड गेट की अगर PLC लॉजिक को हम लोग रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं इंटरलॉक कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है. इंडस्ट्री में इंटरलॉक कंट्रोल सिस्टम है फॉर अ मशीन टूल, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. जो बेसिकली इंटरलॉक कंट्रोल सिस्टम है वो तभी सिर्फ ऑपरेट होगा जब सेफ्टी गार्ड जो है वो पोजीशन और पावर स्विच ऑन होगी. अगर वो नहीं होगी पावर स्विच ऑन और सेफ्टी गार्ड नहीं होगा तो आपके पास जो है इंटरलॉक कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑन नहीं होगा. अब हमारे पास जो PLC लॉजिक है वो बेसिकली और गेट के लिए है. और गेट को हम लोग अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि आप लोग पैरेलल सर्किट बनाते हो, ठीक है. जैसे और गेट की दो इनपुट्स हैं ए और बी, दोनों इनपुट्स को आप दो पैरेलल में अटैच करोगे, उसके सीरीज में आप एक इंडिकेटिंग डिवाइस अटैच करोगे. अगर मैं इंडस्ट्रीज में इसकी बात करती हूँ, और गेट के एप्लीकेशन की बात करती हूँ, तो और गेट कंट्रोल सिस्टम इज अ नॉर्मली यूज्ड एप्लीकेशन फॉर द कन्वेयर बेल्ट ट्रांसपोर्टिंग वाटर प्रोडक्ट्स, ठीक है. कन्वेयर बेल्ट यूज हो रही होती है इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा, उसमें बॉटल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉटल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जहां पे बॉटल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग हो रही होती है, ठीक है.
our deflector plate is activated to deflect bottle into our reject beam. If either the is not within the certain tolerance or there is no cap on the bottle. नेक्स्ट जो हमारे पास पीएलसी लॉजिक है वो बेसिकली नॉट गेट के लिए है, जिसके अंदर हम बेसिकली एक नॉन कंडक्टिंग स्विच अटैच करते हैं जो कि आपको इनपुट ए में नजर आ रहा होता है और उसके बाद हम एक आउटपुट उसके सीरीज में अटैच करते हैं। अगर मैं नॉट गेट कंट्रोल सिस्टम के एप्लीकेशन की बात करूं तो जैसे ही लाइट आती है तो आपका जो है नॉट गेट इन्वर्जन का फिनोमेना परफॉर्म करता है और बेसिकली जैसे लाइट आती है तो डार्क हो जाता है, जैसे डार्क नेस होती है तो लाइट ऑन हो जाती है। तो लाइट सेंसर होता है इनपुट पे और आउटपुट पे एक आपके पास बल्ब होता है। लाइट आई, सेंसर ने डिटेक्ट की, बल्ब ऑफ हो गया। लाइट चली गई, सेंसर ने डिटेक्ट किया, बल्ब ऑन हो गया। बेसिकली आपका आज का प्रोग्राम जो है वो है कि आपने लॉजिक गेट्स जो है, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और नॉट गेट्स को इम्प्लीमेंट करना है, उनका फंक्शन जो है उनकी वर्किंग देखनी है बाय यूजिंग पीएलसी। ठीक है, तो ये आपके पास पीएलसी होती है जो बेसिकली आपके गेट्स के लिए डिज़ाइन की गई है, ये ओमरॉन कंपनी की है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप ये देखो नीचे ये वाले जितने भी स्विचेस हैं ये लाइक एन इनपुट वर्क करते हैं। ठीक है, इस पीएलसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली 0 से लेकर 11 तक मीन्स 12 स्विचेज हैं जो लाइक एन इनपुट वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इन इंडिकेशंस की बात करूँ तो 0 से लेकर 7 तक 8 आप लोगों के पास आउटपुट्स हैं, एलईडी इंडिकेशंस हैं जो बेसिकली आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी भी लॉजिक गेट की। देन ये आपके पास प्रोसेसर है, ठीक है, सीपीयू है जिसने इनपुट अगर आ रही है उसको प्रोसेस करके आउटपुट आपको शो करवानी है और ये आप लोग प्रोसेसर बेसिकली कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर से कनेक्ट करो, कंप्यूटर पे आप प्रोग्रामिंग करोगे, वो इनपुट जो है आपके प्रोसेसर के अंदर आएगी, वो उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट जो है वो शो करवाएगा। सही है, अब सॉफ्टवेयर जो हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं बेसिकली वो है सिसविन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। सही है, ये बेसिकली इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब जिस तरह से मैं सबसे पहले अगर एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, ठीक है, अगर मैंने एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है तो एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं बेसिकली दो स्विचेस जो हैं, क्योंकि एंड गेट की दो इनपुट्स होती हैं, तो दो स्विचेस को मैं कनेक्ट कर दूंगी सीरीज में। ठीक है, एंड गेट हमेशा सीरीज सर्किट की तरह एक्ट कर रहा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे एंड गेट के लिए दो स्विचेस को सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओपन कॉन्टेक्ट को एज अ स्विच पिक करूंगी और इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी। अब यहाँ पे हमने इसका एड्रेस देना इस स्विच का जो मैं यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ से मैं बेसिकली बता सकूं कि इन 12 स्विचेस में से मैंने कौन सा स्विच जो है यूज करना है अपने प्रोग्राम के लिए। उसका एड्रेस लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं 00.02। अगर मैंने सेकंड स्विच यूज करना है तो मैं लिख दूंगी 02। अगर मैंने थर्ड यूज करना होता तो मैं 03 लिख देती, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हो। ओके कर दिया, ये मेरा स्विच यहाँ पर आ गया। देन हमने क्या करना है, हमने एक और स्विच लेना है क्योंकि हमें सेकेंड इनपुट को शो करना है। उसका मैं एड्रेस डिफाइन करूंगी, तो मैं ले रही हूँ 00.03, मतलब थर्ड स्विच एज एन इनपुट। ओके किया, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर सीरीज पे आउटपुट को रिप्रेजेंट कराना है। आउटपुट को शो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ओपन आउटपुट दे देता है। इसको मैंने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। आउटपुट को का एड्रेस जो है वो मैं डिफाइन करूंगी इन सेवन आउटपुट्स में से मैं डिफाइन करूंगी कि कौन सी आउटपुट से मैंने बेसिकली इंडिकेशन देखनी है। तो लिखूंगी एड्रेस 0.010.03 लिख देती हूँ। ठीक है, ओके कर दिया, तो ये मेरी आउटपुट कनेक्ट हो गई है बेसिकली। अब जिस तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको टर्मिनेट करने के लिए, एग्जीक्यूशन को खत्म करने के लिए एक आइकन होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग इस फंक्शन के आइकन को यूज करेंगे। ठीक है, फंक्शन के आइकन को मैंने यहाँ पर अटैच किया है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए उसको मैं करती हूँ एंड टू, यहाँ से एंड 01 ओके कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा और ये मेरा एंड का ब्लॉक बेसिकली आ गया है। ये अगेन मुझे करना पड़ा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया, तो ये मेरा एंड का ब्लॉक आ गया है। सही है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन पर जाके इस प्रोग्राम को हमने पीएलसी के ऊपर डाउनलोड करना है। सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाउनलोड प्रोग्राम टू पीएलसी,
वो कहेगा डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, हम कहेंगे येस ओके, डाउनलोड सक्सेसफुल, डाउनलोड हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हमने यहाँ से आना है इस पर, इसको पहले तो स्टॉप करना है, जो पहले से प्रोग्राम अगर कोई रन हो रहा होगा वो स्टॉप कर देगा, ओके करेंगे, देन अगेन हम रन पे क्लिक करेंगे। देन मैंने ओके पे क्लिक किया और मैं येस कर दूंगा। तो बेसिकली मेरे पास अगर एंड गेट है तब वर्क करना है जब मेरी दोनों स्विचेस जो है वो बेसिकली ऑन हो। आपके पास एंड गेट की आउटपुट है, ठीक है, अगर मैंने ये दोनों स्विचेस जो हैं उनको ऑन रखा हुआ है तो मेरी आउटपुट जो है वो मुझे मिल रही है। अगर मैं एक को ऑफ कर देती हूँ तो आपके पास बेसिकली ये ऑफ हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास जो अगला प्रोग्राम है वो बेसिकली है और गेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्विच लेती हूँ, उसको मैंने अटैच किया, ठीक है। मैं एड्रेस को फाइंड करती हूँ, तो अब मैं एड्रेस दे देती हूँ आपका 304, ठीक है। तो 00.03 फर्स्ट इनपुट के लिए, ठीक है। फिर अब मैंने इस और गेट जो है वो पैरेलल की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं वर्टिकल एक स्लॉट लूंगी, उसको यहाँ पर अटैच करूंगी और पैरेलल में दूसरा स्विच अटैच करूंगी, ठीक है। एक स्विच लिया, उसको यहाँ मैंने अटैच किया। अब इसके लिए जो एड्रेस मैं डिफाइन करी हूँ वो फोर्थ इनपुट का है, ठीक है। ये फोर्थ इनपुट का एड्रेस है, तो मैं लिखूंगी 00.04, ठीक है। ओके कर दिया, ये अटैच हो गया मेरे पास। देन उसके बाद आप क्या करोगे, देन आप उसके पास और गेट के लिए आप लोग एक एलईडी लगा दो, एलईडी लगा दोगे बेसिकली, ठीक है। ये वाली जो एलईडी है मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देती हूँ। उसका एड्रेस मैंने डिफाइन करना है, वो होगा 010.3, ठीक है। ये मेरी आउटपुट का एड्रेस है, ओके कर दिया, सही है। देन अब मैंने इसको टर्मिनेट करना है, फंक्शन पे क्लिक करूंगी और उसको मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगी। उसका उसको सिलेक्ट करूंगी यहाँ से एंड 01, ओके किया, देन यहाँ से ओके कर दिया, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने क्या करना है, ऑनलाइन पर जाना है, डाउनलोड प्रोग्राम टू PLC करना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू तो उसको करना है, ओके कर दिया, ऑपरेशन रन पे क्लिक करना है। तो उसके लिए अब सबसे पहले मॉनिटरिंग करेंगे हम, सही है कि यहाँ से भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यहाँ से भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। देन इस पर आते हैं, उस पर रन पे क्लिक करते हैं और उसको ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं तो मेरे पास अगर मैंने स्विचेस जो है वो यूज किए हैं 3 और 4, ठीक है।
तो अगर मैंने दोनों स्विचेस जो है 3 और 4 ऑन किए हैं तो 3 मेरा ऑन हो गया है। अगर मैं 1 को ऑफ करती हूँ तो 3 फिर भी मेरा मतलब मेरी एलईडी फिर भी चल रही है। अगर मैंने बेसिकली एडिशन का मैं काम कर रही हूँ तो उसके अंदर अगर एक स्विच भी ऑन रहेगा, मतलब ये वाला स्विच अगर मैं ऑन भी कर रही हूँ, ये वाला ऑफ भी रह रहा है, तब भी आपके पास जो है एलईडी ऑन हो रही है। अगर मैं दोनों भी ऑन कर रही हूँ तब भी एलईडी ऑन रह रही है, सही है। लेकिन अगर मैं दोनों को ऑफ कर देती हूँ तो मेरी एलईडी जो है वो बंद हो जाती है, सही है। तो ये बेसिकली और गेट का काम कर रहा है। अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो बेसिकली है नॉट गेट का, ठीक है। नॉट गेट के प्रोग्राम के लिए मैंने एक स्विच लेना है, आपको पता है उसके अंदर एक इनपुट होती है, सही है। एक इनपुट का जो एड्रेस है मैं वो डिफाइन कर दूंगी 00.03, ठीक है। ओके किया, ये कनेक्ट हो गई। अब उसी इनपुट ने इन्वर्ट होकर आपके पास आउटपुट पे नजर आना होता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए ले लेती हूँ यहाँ से क्लोज आउटपुट का ब्लॉक, उसका एड्रेस डिफाइन करती हूँ, ये मेरी आउटपुट है। उसका एड्रेस मैं कैसे डिफाइन करूंगी, 010 डॉट जो एलईडी मैंने यूज करनी है उसका एड्रेस, ठीक है। तो वो मैं 3 ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 03। ओके किया तो ये कनेक्ट हो गई है मेरे पास। उसके बाद मैं फंक्शन को क्लिक करती हूँ ताकि मैं टर्मिनेट कर सकूँ प्रोग्राम को, ठीक है। तो सेलेक्ट पर जाकर एंड को पिक करते हैं, ओके कर देते हैं, उसको ओके कर देते हैं, ये मेरा प्रोग्राम हो गया। देन अब मैंने ऑनलाइन पर जाना है, डाउनलोड प्रोग्राम टू PLC पे क्लिक करना है, देन डू यू वांट टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो बेसिकली PLC पे लोड हो गया है। अब क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर मॉनिटरिंग पर जाना है, ठीक है। अब मॉनिटरिंग हो रही है कि यहाँ से मेरे सिग्नल जो है वो पास हो रहे हैं इनपुट के थ्रू। अब इस पर क्लिक करना है और रन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। अगर अब मेरा स्विच जो है वो ऑन होता है, ऑफ होता है स्विच, तो एलईडी जो है मेरी ऑन हो जाती है। अगर मेरा स्विच बेसिकली अगर मैं स्विच को ऑन करती हूँ तो एलईडी ऑफ हो जाती है, अगर मैं स्विच को ऑफ करती हूँ तो एलईडी ऑन हो जाती है। From this lab, we have learned about the basic introduction and hardware implementation of logic gates.